क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। दो सर्कल्स हैं हमारे पास, ये दोनों के दोनों सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे को दो पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करते हैं, एक बी पॉइंट पर और एक सी पॉइंट पर, ठीक है। अब आगे बोला गया है थ्रो बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी एंड पी क्यू रेस्पेक्टिवली। आगे हमसे बोला गया है कि जो एक ए बी डी लाइन सेगमेंट है, देखो ए बी डी ये लाइन सेगमेंट एक लाइन है हमारे पास ए बी डी, ये जो है इन सर्कल्स को ए पॉइंट और डी पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। और जो पी बी क्यू लाइन है वो इन दोनों सर्कल्स को पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक। तो अब हमसे प्रूफ ये करा रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए सी पी जो है वो एंगल क्यू सी डी के इक्वल है। ए सी पी ए सी पी यानी कि ये वाला एंगल जो रेड से मैंने दिखाया है, ये एंगल इक्वल है किसके, क्यू सी डी, क्यू सी डी के, इस एंगल के ये इक्वल है। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है वी हैव टू सर्कल्स, हमारे पास दो सर्कल्स हैं ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन विच इंटरसेक्ट एट बी, और दो लाइंस हमारे पास हैं, दो लाइन सेगमेंट हमारे पास हैं ए बी डी और पी बी क्यू, जो इन सर्कल्स को जो है बी पॉइंट पर जो है कट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है हम उसको लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है एंगल ए सी पी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल क्यू सी डी के। इसमें कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन ए पी एंड क्यू डी, ठीक है। तो हमें इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये ए पी हो जाएगा, ये डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ ये देखेंगे यहाँ पर कि आपको एक बात ये मालूम है कि अगर कोई सर्किल होता है और उस सर्किल की एक कोई कोड होती है, तो उस कोड से जो है पूरा जो सर्किल होता है वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो किसी एक सेगमेंट में किसी एक कोड से जितने भी सर्कल्स पर एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर इस कोड की बात करते हैं तो इस कोड से इस बड़े सेगमेंट में दो एंगल्स बने हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इस पी ए पी लाइन की, तो ये ए पी लाइन है, ये बड़े वाले सर्किल की कोड है, और जब ये बड़े वाले सर्किल की कोड है तो इस कोड से इस बड़े सर्किल पर दो एंगल बने हुए हैं, एक तो ये वाला एंगल, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये सेम सेगमेंट्स में बने हुए एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर प्रूफ में क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बी पी, यानी ए बी पी जो होगा वो एंगल ए सी पी के इक्वल होगा, तो एंगल ए सी पी, ठीक है। तो इसे इक्वेशन कितना मानेंगे, हम फर्स्ट मानेंगे। अब इसका रीज़न भी आप लिख देंगे, इसका रीज़न क्या है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये जो है ये सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सिमिलरली, तो अगर हम क्यू डी की बात करते हैं तो क्यू डी से भी यहाँ पर दो एंगल्स बने हैं, एक तो बना है क्यू बी डी यानी कि ये वाला एंगल, और एक क्यू सी डी बना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल क्यू बी डी, क्यू बी डी यानी ये एंगल इक्वल होगा किसके, एंगल क्यू सी डी के, एंगल क्यू सी डी के। हमारे पास इक्वेशन टू आ चुकी है, ठीक। अब देखिए, अब हम इन दो एंगल्स पर जो है ध्यान देंगे। अगर हम इन दोनों एंगल्स को देखते हैं तो आप यहाँ पर ये देखें कि जो ए बी डी है और पी बी क्यू है वो आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इस तरीके से कट करती हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो ये दोनों लाइन इस तरीके से एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये किस तरीके के एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए बी पी जो होगा वो एंगल क्यू बी डी के इक्वल होगा, तो एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल एंगल क्यू बी डी,
एंगल क्यू बी डी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ए बी पी लिखा हुआ है, और अगर इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं तो ए बी पी के जो इक्वल था वो क्या था, ए सी पी था। तो जहाँ पर ए बी पी लिखा हुआ वहाँ पर हम ए सी पी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए बी पी की जगह ए सी पी लिख देंगे इक्वल टू। अब क्यू बी डी की बात अगर हम करते हैं तो जो इक्वेशन टू है उसमें क्यू बी डी किसके इक्वल है, क्यू सी डी के इक्वल है। तो जहाँ पर क्यू बी डी लिखा वहाँ पर क्यू सी डी लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू सी डी, ठीक है। तो हमें क्या करना था, इन्हीं दोनों एंगल्स को इक्वल लाना था, ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी। तो ए सी पी इज इक्वल टू क्यू सी डी, ए सी पी इज इक्वल टू क्यू सी डी, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो चुका है।